पटाक 30 सेकंड में हर खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना यहां दाम घटे हैं और ना ही इसमें कोई कमी आई है। हालांकि दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी हो जानी चाहिए थी। नवंबर में 80.64 डॉलर प्रति बैरल के दिसंबर में कच्चे तेल के दाम घटकर 73.30 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए। इस हिसाब से अभी तक पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाना चाहिए था। ओमिक्रॉन के असर से बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों ने कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव डाला है। ऐसे में जब दाम घटाने का मौका आया तो सरकारी कंपनियों ने लोगों को राहत देने की जगह अपनी जेब भरने का काम किया। जानकारों का भी मानना है कि जब रोजाना दाम बढ़ाने का फैसला तेल कंपनियां कर सकती हैं तो फिर घटाने के वक्त वो क्यों चुप हो जाती हैं। अब देखते हैं कि दाम बढ़ाने और घटाने में तेल कंपनियां किस तरह खेल करती हैं। अगस्त में कच्चा तेल 3.74 डॉलर प्रति बैरल सस्ता हुआ तो कंपनियों ने पेट्रोल महज 65 पैसे सस्ता किया। वहीं सितंबर में कच्चा तेल 3.33 डॉलर प्रति बैरल महंगा होते ही पेट्रोल 3.85 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। नवंबर में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी कमी के बावजूद पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए। तेल कीमतों ने पेट्रोल की कीमतों में आखिरी कटौती 5 सितंबर को महज 15 पैसे की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये मुनाफा जा कहां रहा है। इसका अंदाजा तेल कंपनियों के तिमाही नतीजों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। IOCL, BPCL और HPCL के जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजों को देखें तो इनका कर पूर्व मुनाफा प्रति कोविड स्तर से 20 गुना तक बढ़ा है। IOC का मुनाफा जुलाई सितंबर 2019 में 395 करोड़ रुपए था, जो जुलाई सितंबर 2021 में बढ़कर 8,370 करोड़ रुपए हो गया। यानी आम आदमी को महंगाई का करंट लगाने में तेल कंपनियां भी पीछे नहीं है। अब देखना यही है कि क्या फिर से 5 राज्यों के चुनाव से पहले ही कीमतों में कमी का ये तोहफा आम आदमी को मिलेगा या नहीं।